सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग की। प्रीमियम लुक है इसका और पैक पे मेंशन है कि एक विटामिन सी ब्राइटनिंग सनस्क्रीन है, डार्क स्पॉट्स प्रिवेंट करती है, लाइट वेट है और मैटिफाइंग लुक है इसका, साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंट भी है। इस पे मेंशन है कि कोई प्रिजर्वेटिव्स या टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है इसमें, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो आपका स्किन टाइप ऑयली, ड्राई, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आप इसे यूज कर सकते हो। ऑल्सो नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करती, आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। सल्फेट और पैराबेन फ्री है और इसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि SPF है 50, जो कि बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से 98% तक प्रोटेक्ट करेगा। आपकी सनस्क्रीन का SPF बहुत मैटर करता है, अगर वो 50 से कम है जैसे 30 या 25 तो वो बहुत मॉडरेट सनस्क्रीन है, वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती। साथ ही साथ इस पे मेंशन है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि इसे रोज लगाने से जो प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है सन डैमेज की वजह से, जैसे कि रिंकल्स हो जाना, डार्क सर्कल्स हो जाना आंखों के नीचे, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम, ये सब नहीं होती। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है विटामिन सी, और सब जानते हैं कि नेचुरली स्किन को ब्राइटन करता है विटामिन सी और डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो सन की यूवीए और यूवीबी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो आपकी स्किन तक ना पहुंच सके। और सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने चेक किया है, सारे ही डर्मेटोलॉजिकली स्किन पे यूज करने के लिए अप्रूव्ड है, इसलिए जो ये सनस्क्रीन क्लेम करती है कि इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है वो बात सही है। बात करेंगे इसकी स्मेल की, तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, काफी रिफ्रेशिंग है, जैसे नहाने के बाद खुशबू आती है कुछ कुछ वैसी। मैट फ्लूइड कंसिस्टेंसी है, नॉट लाइक अ पेस्ट, कॉइन साइज्ड अमाउंट ही काफी रहेगा अपने फेस और नेक पे अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। और इसे अप्लाई कैसे करना है, क्लीन फेस पे इसे अप्लाई करके अच्छे से आपको मसाज करना है ताकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन पे कोई रेजिड्यू नहीं रहता और नॉन स्टिकी मैट लुक मिलता है आपको, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट भी यूज किया है। अब यूज कितनी बार करना है, वैसे तो आपको इसे दिन में एक बार यूज करना चाहिए भले ही आप घर के अंदर हो, क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप से भी यूवी रेडिएशन निकलती है जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। लेकिन अगर आप धूप में बहुत ज्यादा देर तक रहने वाले हो तो आई एडवाइस कि आप इसे 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करो। अब बात करेंगे इसके इफेक्ट्स की, तो मैं इसे डेली रेगुलरली यूज कर रहा हूं और मेरा स्किन टाइप है ऑयली और मुझे एक्ने या पिंपल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके साथ ही मैंने ये नोटिस किया है कि जो मेरे डार्क स्पॉट्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो क्या इस प्रोडक्ट के क्लेम सही हैं? आई विल से यस, ये प्रोडक्ट जो जो क्लेम करता है वो सही में आपको प्रोवाइड भी करता है। इसलिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, अगर आप एक नेचुरल केमिकल फ्री सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो आई एडवाइस कि आप लोटस बोटैनिकल्स की विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग मैट फ्लूइड सनस्क्रीन को एक बार चेकआउट करो, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज है। आपको एक अच्छी सनस्क्रीन मिल रही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50, साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन करती है, स्किन ब्राइटनिंग भी है और इसका मैट फ्लूइड टेक्सचर इसे बाकी सनस्क्रीन से बहुत अलग बनाता है।